नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। राजेश विश्वास हेयर के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, वो मौजूद है रीवा में। यहाँ पर दो दिनों को हेयर को लेकर एक वर्कशॉप की गई है। इस वर्कशॉप में रीवा की बड़ी ब्यूटीशियन, ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की अध्यक्ष अंजुम जावेद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। साथ ही यहाँ की ब्यूटीशियनों को दो दिनों की वर्कशॉप में हेयर से संबंधित तमाम तरीके की शंकाओं का उनके समाधान किया गया। साथ ही उनको हेयर से संबंधित सारी चीज़ें सिखाई गई। आइए आपको सीधे लेकर चलता हूँ हेयर वर्कशॉप में, जहाँ पर राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मौजूद हूँ आज एक ऐसी क्लास में, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी इस समय देख पा रहे होंगे, हेयर को लेकर ब्यूटी पार्लर के ट्रेनिंग का एक ये सेशन है। इस पर खास तौर से हेयर पर फोकस किया गया। हेयर स्किन और मेकअप का जो ये सेगमेंट होता है, उसको आज केवल और केवल हेयर की क्लास। हमारे साथ एक यहाँ पर प्रख्यात ब्यूटिशियन ही उनको कहा जाएगा मौजूद है, राजेश जी। मैं ये बताइए, जैसा कि आप लोग लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं रीवा में, जिस तरीके से आपने आज यहाँ पर क्या सिखाया? जी नमस्कार, मेरा नाम है राज श्रीवास और मैं पहुंचा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। और यहाँ पर आज हम लोग जो है वो हेयर का क्लास करा रहे हैं, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री में या सैलून इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो हेयर का वर्क थोड़ा सा टफ होता है। हेयर का वर्क लाइक कलर या केमिकल इजी नहीं होता है, तो उससे लेके यहाँ पर दो दिन का जो है राजेश सोनी जी और यहाँ पर ज्योति मैम उनके द्वारा जो है दो दिन के यहाँ के ब्यूटिशियन के लिए जो है वर्कशॉप का आयोजन किया गया यहाँ पर। हेयर की अगर बात की जाए तो जैसे आमतौर पर कहा जाता है स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग या केराटिन, तो आजकल केराटिन का रिवाज चल रहा है। तो और बहुत सारी ब्यूटिशियन कहती हैं केराटिन कराना उचित नहीं है, उससे बाल खराब होते हैं। तो आप एक्सपर्ट होने के नाते क्या सलाह देंगे? जी जैसे देखिए, कोई भी चीज़ खराब नहीं है और केराटिन कोई खराब चीज़ नहीं है, वो अच्छा चीज़ है हमारे बालों के लिए। क्योंकि केराटिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जिससे हमारा हेयर जो है वो बना हुआ है, और वो आर्टिफिशियल हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन और लोग जो है जिनको समझ नहीं है अभी उसके बारे में, उनको पहले समझना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट है क्या, कैसे बालों पे यूज किया जाता है, कौन सा हेयर टेक्चर पे यूज किया जाता है, वो समझना जरूरी है। केराटिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, उससे हम अपने बाल को एक नया लुक दे सकते हैं और हमारे बालों को बहुत अच्छा किया जा सकता है। अगर बाल टूट रहे हैं, डैमेज है, तो उसको भी रिपेयर किया जा सकता है। जैसा कि आपको टीवी स्क्रीन पर इसमें बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं, एक काफी लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग तो खैर ठीक है, सबके समझ में आती, इन दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? सर जो है केराटिन एक अलग चीज है, केराटिन से आपके बाल स्ट्रेट नहीं होगा। केराटिन एक उस हेयर के लिए जिनके हेयर पहले से कुछ केमिकल करा के डैमेज हो चुका है, या फिर वो नॉन मेंटेनेंस की वजह से उनके बालों पे कुछ ऐसा बाल टूट रहे, बाल रफ है, बाल में दो मुहे बाल है, ऐसे बालों के लिए केराटिन है। लेकिन स्मूथनिंग अलग चीज़ है, जिनको अपने हेयर टेक्चर चेंज करना है, लाइक किसी के बाल काफी कर्ल है, किसी के बाल काफी वेव है, उसको पर्टिकुलर स्ट्रेट चाहिए, तो वो स्मूथनिंग है। यहाँ पर आज एक वर्कशॉप हो रही है, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। लगातार मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोग बालों पे काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कलर बना रखा है, अलग अलग सेगमेंट पर यहाँ पर राज जी सबको सिखा रहे हैं। राज जी, रीवा में ये आपका पहला अनुभव कैसा रहा? जी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के ब्यूटिशियन के साथ भी मैं दो दिन से काम कर रहा हूँ, सभी काफी इंटरेस्ट से यहाँ पर काम कर रहे हैं और सभी लोग जो है दो दिन से, कल हमने स्मूथिंग रिबॉन्डिंग के बारे में सीखे, आज कलर के बारे में सीख रहे हैं, सभी काफी इंटरेस्टेड है। क्योंकि कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं हमारा सैलून इंडस्ट्री का बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ था, उसको अप करने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि नया नॉलेज ले सके और हमारे क्लाइंट को नया सर्विस दे सके। और अगर हेयर की बात करूं तो हेयर को सर का ताज क्राउन बोला जाता है। हेयर का वर्क जो होता है, चाहे वो सैलून हो चाहे ब्यूटी पार्लर हो, सभी के लिए रेगुलर वर्क होता है, और जो हेयर के बारे में नॉलेज रखता है उसके पास क्लाइंट की कमी नहीं होता है। ये थे हमारे साथ राज श्रीवास जी, जिन्होंने रीवा में दो दिन की वर्कशॉप की, यहाँ की ब्यूटिशियनों को हेयर से लेकर तमाम तरीके की उनकी जो भी जिज्ञासाएं थी उनको उन्होंने उस पर काम किया, उनको उससे सिखाया। सिखाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, ये ब्यूटिशियन अब अपने अपने पार्लर में जाएंगी, उन कामों को बेहतर तरीके से कर पाएंगी जो अभी करने में उनको हिचकिचाहट होती थी। निश्चित रूप से एक अच्छे गुरु के साथ रहने के बाद, काम सीखने के बाद, काम करने का मजा ही कुछ और है। मैं यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसको आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।